में कुल मिलाकर 64214 वैक्सीन की डोसेस लगी जिसमें से 44676 फर्स्ट डोज थी और 19538 सेकंड डोज थी वैक्सीन की इसके साथ कुल मिला दिल्ली में टोटल वैक्सीनेशन 50 लाख ,00 से ऊपर चला गया है तो 50 लाख 85,703 लोगों को अभी तक वैक्सीन की डोजेज़ मिल चुकी हैं एंड एलेवन लाख फिफ्टी ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन की दोनों डोजेस मिल चुकी हैं तो दिल्ली में अभी तक वैक्सीनेशन काफ़ी हाई स्पीड पे चलता रहा है लेकिन जैसा कि हम आपसे शेयर कर चुके हैं अब वैक्सीन की डोजेस ख़त्म होने की वजह से जो यूथ का वैक्सीनेशन है वो कल से यानी मंडे से अब बंद होगा अब सिर्फ दिल्ली में 45 प्लस फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का ही वैक्सीनेशन चलेगा 45 प्लस वाली कैटेगरी के लिए अभी तक दिल्ली को कुल मिला के फोर्टी फाइव लैख नाइन्टी मिली हैं जिसमें से 43 थ्री लाख सेवनटी और 70 डोजेज यूज, यूज़ हो चुकी हैं और दो लाख पंद्रह हजार के आसपास अब डोजेज हमारे पास बची हैं इसमें कोविशील्ड का तो हमारे पास सात दिन का वैक्सीनेशन का स्टॉक है लेकिन आज जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि कोवैक्सीन की कुल मिला हमारे पास सिर्फ पच्चीस हजार डोजेस बची हैं यानी तकरीबन तकरीबन सिर्फ एक दिन के वैक्सीनेशन का स्टॉक कोवैक्सीन का हमारे पास पड़ा है पिछले कुछ दिनों से पिछले चार से पाँच दिनों में कोवैक्सीन को सिर्फ और सिर्फ सेकेंड डोज के लिए यूज किया जा रहा है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज लग चुकी है तो जो कोवैक्सीन का रीसेंट इंस्टॉलमेंट आया था सेंट्रल गवर्नमेंट से 45 प्लस वाले एज ग्रुप के लिए उसको हम सिर्फ सेकेंड डोज के लिए यूज़ कर रहे हैं लेकिन कल के बाद कोवैक्सीन की सेकेंड डोज की भी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है क्योंकि वैक्सीन की दोनों डोजेस का एक सर्टन गैप होना ज़रूरी है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोवैक्सीन की पहली डोज एक महीने पहले लग चुकी है अब उनका दूसरी डोज का टाइम आ गया है लेकिन अब दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई 45 प्लस वाले एज ग्रुप के लिए समाप्त हो चुकी है अगली कोवैक्सीन की इंस्टॉलमेंट कब आएगी ये अभी क्लियर नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि कुछ जून में आएगी लेकिन अभी इस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन की एफिकेसी तभी है जब दूसरी डोज टाइम पर लग जाए इसलिए दिल्ली को कोवैक्सीन की सप्लाई जरूर दी जाए वरना जिन लोगों को कोवैक्सीन की पहली डोज लगी है उनको सेकेंड डोज नहीं मिल पाएगी जहां तक के यूथ की वैक्सीनेशन की बात है यानी जो 18 टू 44 की कैटेगरी है यूथ के लिए कुल मिला के हमें एट लाख सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड नाइन्टी मिली हैं अभी तक जिसमें से एट लाख सेवनटीन थाउज एट लाख सेवन थाउजेंड यूज़ हो चुकी हैं तो कुल मिला के दिल्ली के पास आज सुबह तक साढ़े दस हज़ार डोजेस सिर्फ बची हैं तो जैसे कोवैक्सीन के हमारे सारे सेंटर्स बंद हैं उसी तरह से कल से कोविशील्ड के भी सारे सेंटर्स हमारे बंद हो जाएंगे मे बी दो चार सेंटर्स में अगर कुछ वैक्सीन की थोड़ी बहुत सप्लाई अवेलेबल हो तो वरना कल से 18 टू 44 के लिए जो दिल्ली का यूथ है उसकी वैक्सीनेशन बिल्कुल बंद हो जाएगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील है कि दिल्ली को युवाओं के लिए वैक्सीन का कोटा ज़रूर अवेलेबल करवाएं दिल्ली एक बहुत मुश्किल परिस्थिति से गुजरा है पिछली वेव में और जिन लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका था उनको सिर्फ माइल्ड इन्फेक्शन हुआ अगर हुआ इन्फेक्शन तब भी इसलिए आज के दिन में यूथ को वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है अब तो ना सिर्फ यूथ को वैक्सीनेट करना जरूरी है अब केंद्र सरकार को बच्चों को भी वैक्सीनेट करने के बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि अब हम देश के अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं कि बच्चों के भी केसेस सामने आ रहे हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील है कि दिल्ली ने सबसे ज़्यादा जो दुनिया भर में नए नए वेरिएंट्स आए हैं वो सबसे पहले दिल्ली में ही आते हैं और दिल्ली में ही इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इसलिए ज़रूरी है कि दिल्ली को वैक्सीन की डोजेस अवेलेबल करवाएं यूथ के लिए भी और 45 प्लस वाले सेगमेंट के लिए कोवैक्सीन अवेलेबल करवाएँ कि लोगों को अपना सेकेंड डोज लग सके थैंक यू